हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र सिंह, एडमिन फ्रैंक IVS। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं, अभी हम अनूपगढ़ पहुंच चुके हैं बस स्टैंड में, और हमारे पीछे खड़ी है HRTC, और आज हमारा इसी के साथ ब्लॉग है, और हम गाइस जाएंगे धर्मशाला। यहां से गाइस गाड़ी की जो टाइमिंग है वो 4 बजे वाया अबोर, गंगानगर होते हुए, मुक्सर होते हुए, जलंधर होते हुए। थैंक यू गाइस ऑल वेरी मच। आगे का वीडियो पूरा आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो अभी गाइस जैसे आप देख रहे हैं, ये है अनूपगढ़ का बस स्टैंड, और यहाँ से हमारी टाइमिंग गाड़ी जैसा आपको बताया 4 बजे है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी 40 डिग्री तक है गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा बहुत इतनी गर्मी है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान से बर्फ़ का रास्ता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अनूपगढ़ बस स्टैंड में इस बस से रिलेटेड आपको कोई अगर अपडेट चाहिए इस बस का या किसी भी बस का, तो आप ये दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग निकल चुके हैं बस स्टैंड से 4:05 पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं आगे गर्मी, धूप बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। तो इधर गाइस, जैसे आपको बताया पहले 42 डिग्री टेम्परेचर, तो बहुत ज़्यादा इधर गाइस गर्मी है। लेकिन एक यहाँ से हिमाचल देखते हैं, हिमाचल जाके क्या वहाँ का क्या नज़ारा है। हाँ जी, तो गाइस, अगर गाइस इस दोनों शहरों के बारे में बात की जाए, अनूपगढ़ और धर्मशाला, तो अनूपगढ़ तो गाइस एक तहसील है, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में आती है, और जो धर्मशाला है वो तो खैर डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन अगर सबसे लॉन्ग रूट की बात की जाए, धर्मशाला से कौन सा निकलता है और अनूपगढ़ से, तो आपको बता दें गाइस, अनूपगढ़ से सबसे लॉन्गेस्ट रूट जो है वो अनूपगढ़ से कोटा के लिए निकलता है, और धर्मशाला सबसे लॉन्गेस्ट रूट यही है जिस पर हम लोग जा रहे हैं। और कोटा से अनूपगढ़ कुछ 900 किलोमीटर हैं, और धर्मशाला से अनूपगढ़ ये 600 किलोमीटर हैं। एंड इसकी गाइस जो टिकट है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप ले सकते हैं, 780 रुपये फेयर है अनूपगढ़ से धर्मशाला, धर्मशाला से अनूपगढ़। और ऑनलाइन का जो लिंक है HRTC.com का, वो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट साइड में, तो ये गाइस पाकिस्तान का बॉर्डर है इस साइड, और इस साइड रात को जाना अलाउ नहीं है। यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर है गाइस पाकिस्तान का बॉर्डर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकल पब्लिक की, जो गांव वाले पिंड वाले उनके खेत हैं, और दूसरा कि अनजान आदमी यहाँ पर जाता है तो उनको पकड़ा जाता है। और यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर छोटी थोड़ी दूरी पर कोठे जैसा बना हुआ है, मतलब उससे आर्मी BSF वाले बैठे हैं, तो ऐसे अनजान आदमी को वो पकड़ के सख्त कार्रवाई की जाती है उनके ख़िलाफ़। और गाइस, ये जब चीज़ देख रहे हैं ना साइड में, एक्चुअली ये मिट्टी है, तो राजस्थान में आपको मालूम होगा राजस्थान बहुत ज़्यादा मिट्टी है, इसलिए इसको रेगिस्तान ही बोला जाता है। तो ये बस गाइस कहाँ से कहाँ, मतलब रेगिस्तान से निकल के कहाँ ये बर्फ़ के और रास्ते में जाती है, बहुत ही अच्छी गाइस जर्नी है ये। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप इस बस में ज़रूर ट्रैवल करें, तो आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब सो रहे हैं, जब आप रात सोए हैं तो रेगिस्तान से सुबह उठे हैं, तो जब देखा सामने बड़ी सारा पहाड़ है आपके सामने, एक बर्फ़ है, तो बहुत ही आनंद वाली, मज़े वाली चीज़ है जी। मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा, एक बार आप ज़रूर इस बस में ट्रैवल करें और मज़ा लें इस जर्नी का। हाँ जी, तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रायसिंह नगर। तो रायसिंह नगर में गाइस बस का जो टाइमिंग है वो 5:15 पे बस स्टैंड से बस निकल जाती है।
एंड ये देखिए गाइस, ये रायसिंह नगर सिटी है। तो रायसिंह नगर देख लीजिए आप, आगे गंगानगर, उसके बाद हिमाचल। और हिमाचल और राजस्थान के शहरों में गाइस कितना डिफरेंट है, कितना फ़र्क है, वो सब आपको नज़र आएगा इसमें। हाँ जी, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुँच चुके हैं श्री गंगानगर बस स्टैंड में। श्री गंगानगर गाइस टाइमिंग गाड़ी की 7:30 बजे, जहाँ से गाड़ी निकल जाती है। एंड श्री गंगानगर के बाद गाइस आगे आता है अबोहर। अबोहर में जो गाड़ी का टाइम है वो 9 बजे, रात के 9 बजे गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। और आपको पूरा रास्ता बता दें, जैसे कि अनूपगढ़ के बाद रायसिंह नगर, रायसिंह नगर बाद पदमपुर, पदमपुर से श्री गंगानगर, फिर हम अबोहर, अबोहर के बाद मलोट, मलोट से मुक्सर, मुक्सर साहब से आगे कोटकपुरा होते हुए मोगा, मोगा से जलंधर, जलंधर से होशियारपुर, होशियारपुर से कांगड़ा, ऐसे होते हैं धर्मशाला। एंड अभी गाइस हम पहुँच चुके हैं होटल पर। होटल में गाइस गाड़ी का टाइम है 12 बजे। अभी आप ये दूसरी बस देख रहे हैं, तो दोनों बसों का टाइम सेम है यहाँ पे, दोनों 12 बजे, राइट 12 बजे भरावान का पंजाबी ढाबा, भरावान का पंजाबी ढाबा पर पहुँच जाती हैं। और यहाँ का खाना अच्छा है। एंड ये होटल जो है भरावान का पंजाबी ढाबा, जो ढाबा है ये मोगा के पास है, मोगा से कुछ 10 किलोमीटर पहले है, कोटकपुरा वाली साइड में। यहाँ पे खाना का इस अलग अलग थाली का रेट है, 100, 130 ऐसे रेट है, लिस्ट है वो लिस्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं यही हिसाब से इनका खाने का रेट है। एंड फिर गए सुबह करीब 5 बजे एक जगह स्टॉपेज है, ज़्यादा नहीं कुछ 15 मिनट का स्टॉपेज है, जैसे चाय नाश्ता थोड़ा, एंड उसके बाद फिर कांगड़ा। एंड अभी गाइस हम जो निकल रहे हैं, ये सतलज रिवर, सतलज दरिया है उसके ऊपर से निकल रहे हैं, ये देरा है थोड़ा पहले आते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देरा पहुँच चुके बस, ये बस डिपो में। यहाँ पे कई सिंह गाड़ी डीजल लेगी, और डीजल लेने के बाद फिर तुरंत निकलेगी। एंड फिर हम यहाँ से जैसे हम देख रहे निकल रहे हैं, तो गाइस सबके सामने है कि कितना ज़्यादा फ़र्क है, कहाँ वो जैसा हमने पीछे देखा था राजस्थान के रास्ते, और कहाँ ये रास्ते, कितना इनमें डिफरेंट, कितना है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई आपको पेड़ नज़र नहीं आता, कोई इंसान नज़र नहीं आता, एकदम सुनसान जैसा है। और वहीं यहाँ की अगर बात की जाए तो के सामने है कि पूरा एकदम हरियाली हरियाली जैसा है। और ये डिपो का रास्ता गाइस एकदम सिंगल है, सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो उसको या तो बैक करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं आमने सामने से। तो
हाँ जी, तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जैसे कितना सिंगल रास्ता है यहाँ पे सिटी में से, और सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। एक गाड़ी को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, नहीं तो रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे ये समझदार ड्राइवर थे, रुक गए, वरना कुछ तो ऐसे होते हैं वो आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं होते हैं, फिर बाद में रिवर्स करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत है। हिमाचल में सिर्फ यहीं पर नहीं, हिमाचल में बहुत सारी जगहों पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब हज़ारों ऐसी जगहें हैं जहाँ से सिंगल गाड़ी निकलती हैं। और टर्निंग पर तो और भी ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि सामने से नज़र नहीं आता टर्निंग पे, सीधे रोड पे जो नज़र आए तरीके टर्निंग पर दिक्कत नहीं है, वो समझ में नहीं आते हैं। तो वैसे में ये बहुत ही ज़्यादा HRTC के ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा, उनको इसलिए एक्सपर्ट ड्राइवर माना जाता है। हाँ जी, तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं भी कितना ज़्यादा रास्ता, वो वहाँ का अगर बात की जाए राजस्थान से तो यहाँ से कितना ज़्यादा डिफरेंट है। एंड तो आपको बता दें, इस पूरे रूट में गाइस एक ही कंडक्टर रहता है, एक ही ड्राइवर रहता है। करीब ये कुछ 13 घंटे की जर्नी है और 600 किलोमीटर है। और HRTC हिमाचल रोडवेज का सबसे लॉन्गेस्ट रूट है जी। इसके लॉन्ग भी एक रूट है जैसे दिल्ली से लेह लद्दाख का है, लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो कभी बंद कभी ऑफ कभी चलता रहता है, ऐसा कभी ऑन कभी ऑफ, क्योंकि वो घर ये कुछ 2-3 महीने ही चलते हैं, उसके अलावा वो बंद रहते हैं। अभी आप लोग ये लेफ्ट में जो पहाड़ी देख रहे हैं, ये पहाड़ी के ऊपर ये किला है। अभी हम कांगड़ा पहुंचने वाले हैं, सुबह के करीब 6 बजे का टाइम है। और ये कांगड़ा का आप किला देख रहे हैं, ये कांगड़ा से गाइस कुछ 10 किलोमीटर पहले आता है लेफ्ट साइड में, पहले रेलवे का जो ब्रिज आता है, जैसे आप क्रॉस करेंगे उसके बाद आपको लेफ्ट में ये किला नज़र आएगा। एंड गाइस, कांगड़ा में जो बस की टाइमिंग है वो सुबह 6:30 बस स्टैंड पे पहुंचने की टाइमिंग है, 6:30 बजे गाड़ी वहां से 6:40 पे कांगड़ा बस स्टैंड से निकल जाती है।
एंड गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके धर्मशाला, और जैसे कि 7:30 बजे टाइम दिया था उस्ताद जी ने, तो वही हम 7:25 पे धर्मशाला पहुंच गए हैं। और यहां से गाड़ी जो टर्निंग है गाइस टाइम है वो शाम को 4 बजे है। धर्मशाला बस स्टैंड से गाड़ी निकलती है और 4 बजे जहाँ से है, करीब 5 बजे कांगड़ा से है, और जलंधर होते हुए रिटर्न वही सेम रूट है, और अनूपगढ़ से भी 4 बजे गाड़ी वहीं से निकलती है। एंड आपको बता देंगे इसे, अगर आप उस रूट से आ रहे हैं अनूपगढ़ से, अगर आपको पठानकोट आना है तो अनूपगढ़ बस स्टैंड में रात को 8 बजे बस निकलती है पठानकोट के लिए, वो भी HRTC है पठानकोट डिपो की। एंड जम्मू के लिए भी है वहाँ सर्विस, वो 5 बजे निकलती है वहाँ से। और आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन से रूट पे, कौन सा बस पे या कौन से ट्रक पे चाहिए, अगर आप अपना वीडियो बनवाना चाहते हैं किसी बस का या ट्रक का, तो वो भी आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं इसमें या मैसेज भी कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में वीडियो के आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह का लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू ऑल वेरी मच, कीप सपोर्ट।